दोस्तों नमस्कार, कानूनी बातें बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अलग अलग कानून और उसके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, तो आज लैटिन के अलग अलग मैक्सिम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इसके पहले हमने एक मैक्सिम जाना, अभी आज दूसरा लैटिन एक्सिम हम जानने वाले और वो है इग्नोरेशिया फैक्टे एक्सिस्ट एंड इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एक्जिक्ट है। दो अलग अलग है। अभी आप पूछेंगे कि भाई ये लैटिन का क्यों यूज करते हैं मैक्सिम बहुत बार, तो अधिकांश वकील लैटिन वाक्यों को फेंकना पसंद करते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो प्राचीन रोम की कानूनी व्यवस्था का अधिकांश पश्चिमी देशों के कानूनी व्यवस्था पर गहरा असर है, गहरा प्रभाव है। आखिरकार एक समय में रोमनों ने अधिकांश यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर विजय प्राप्त किया था। तब कानून व्यवस्था थी, उसमें वो लैटिन प्रयोग यूज किया जाता था और वो इतना भारी पगड़ा है कि आज भी वकील जब रोक ठोक से बोलते हैं तब कुछ लैटिन का प्रयोग हरदम कर देते। अब पहली बात जो है, जो एक पूरा सेंटेंस मैंने बताया उसमें से इग्नोरेशन से फैक्टी एक्सिस्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। अब ये लैटिन मैक्सिम का अर्थ है कि किसी तथ्य की अज्ञानता या किसी तथ्य की गलती एक बहाना हो सकता है। यह दीवानी के साथ साथ आपराधिक न्याय शास्त्र पर भी लागू है। इसमें कहा गया है कि अज्ञानता को एक बहाना माना जाएगा यदि किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो और व्यक्ति दावा कर सकता है कि इस के बारे में, इस तथ्य में वो अनजान था। अज्ञानता का अनुवाद अज्ञान और गलती दोनों के रूप में किया जा सकता है। इन शब्दों का प्रयोग परस्पर प्रयोग किया जाता है। यह कहावत के अनुसार एक व्यक्ति एक अपराधिक और नागरिक दायित्व से बाहर हो जाएगा जब प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व में वो अनभिज्ञ, मालूम ही नहीं भाई क्या हो रहा था, मुझे मालूम नहीं था, जिसे वो ना तो वो देख सकता था और ना उसको जान सकता था और गैर कानूनी परिणाम का इरादा कर सकता था। तथ्य की गलती के तहत कोई भी गलत करने वाले के पास बचाव होता है क्योंकि उसके पास तर्क के लिए अपर्याप्त डाटा होता है। तथ्य की अज्ञानता और तथ्य की भूल में कोई अंतर नहीं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार अगर इसमें वर्णन किया है कि कुछ भी अपराध नहीं है अगर उस व्यक्ति द्वारा जिसने गुनाह किया है वो तथ्य की गलती के कारण अगर उसने गुनाह किया है तो कानून में वो उससे गलती मानी नहीं जाती। एक समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम बेहतर समझने के लिए उड़ीसा राज्य का बनाम खोरा घासी में ये जो केस थी उसमें आरोपी ने खेत की रखवाली करते समय एक चलनी वाली वस्तु उसको दिखाई दी और उसने उसके ऊपर तीर मार दिया। अब तीर मारा था तो उसको लगा था क्या कि कोई तो पशु है और वो दिखला एक आदमी और आदमी की हुआ तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन अदालत ने उन्हें किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया क्योंकि वो तथ्य की गलती थी और तथ्य की गलती के तहत उन्हें छूट मिली। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के एक अनुबंध को शून्य कहा जाता है जब समझौतों के दोनों पक्षों में तथ्य के मामले में गलती करती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी ये चलते हैं। अब दूसरी बात हम देखेंगे इग्नोरेशन या ज्यूरिस नॉन एक्जिस्ट, इसमें एग्जैक्टली रिवर्स है। पहले में क्या था, फैक्सी मालूम नहीं, दूसरे में क्या कानून मालूम नहीं। भाई साहब कानून मालूम नहीं ये आप किसी को बोल नहीं सकते, ये आपका डिफेंस हो नहीं सकता, ये याद रखें। इसमें हमारे पास विभिन्न प्रकार के कानून है जैसे परिवार, दीवानी, आपराधिक, अनुबंध, अलग अलग कानून है। यदि कोई भी आदमी कहता है कि भाई ये कानून उसे मालूम नहीं हो, उपेक्षा करता है, तो उसका उत्तरदायित्व तो बनता है। कानून मालूम नहीं होना तो उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है, ये याद रखिए। इस मैक्सिम में
जो हम बोलते हैं कि इग्नोरेशंस या ज्यूरिस नॉन एग्जिस्टेंट, इसमें ये पूरा ऐसा ही बताया कि अगर कानून की अज्ञानता हो तो ये अज्ञानता आपको बचाव नहीं दे सकती। इसकी कमी कानून की ज्ञान की अगर कमी है तो आपको बचाव उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तौर पे देखा जाए, अगर विदेशी नागरिक आ गया, इतिहास में पढ़ा रहेगा कि यार भारत में शेर आते थे, शेर को मारा जाता था, वो आ गए इधर, उसने बंदूक उठा दिया, शेर को मार दिया। भाई भारत में तो शेर मारते थे, शिकायत तो होती थी, बड़े बड़े राजा शिकार करते, तो मैंने शिकार कर दी। वो बोल नहीं सकते कि मुझे मालूम नहीं अभी कानून क्या है। भाई साहब कानून जो है वो है, यू हैव टू नो द रूल, लॉ आपको मालूम होना ही चाहिए, नहीं मालूम वो आपको डिफेंस नहीं है उपलब्ध है। जैसे कि हम जानते हैं भारत में 200 वर्ष से ब्रिटिश शासन करते थे, तो जो जो कानून ब्रिटिश से आ गए हैं, जो भारतीय तौर पे बहुत अपनाया गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अदालतों में विवादों को निपटने के लिए अंग्रेजी आम कानून को लागू किया जाता था, आज भी आज लागू है। और एक उदाहरण दे सकता हूँ, ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर आपको टीसी ने पकड़ लिया, आपको ने बोल दिया कि सही हमको मालूम नहीं था, ट्रेन में सफर करते समय अगर पकड़ा गया तो उसको अपराध माना जाता है, तो ये आपको डिफेंस उपलब्ध नहीं है। क्यों? मान लो छोड़ो, आप अंधेरी तक का टिकट लिया और आप विरार चले गए और विरार को पकड़ लिया आपको, तो भी टिकट भी है, पर भाई साहब टिकट तो पहले स्टेशन का था, आप आगे आगे, तो आपका दंड आपको लागू है। और दंड कैसा लागू है, तो भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 138 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। और एक उदाहरण दे सकता हूँ, तो मैंने एक नया गाड़ी ले ली, टू व्हीलर, बहुत अच्छी है, किसी मित्र ने बोला मुझे दे दो, दे दो चलाना है, और मैंने उसको दे दी, और उसने जाके किसी को उड़ा दिया। अभी उड़ाया किसने, उसने, वो जिम्मेदारी किसकी, तुम्हारी, गाड़ी किसके नाम पे, तुम्हारे नाम पे है, ये मुझे मालूम नहीं था। ये लॉ क्या कहता है, गाड़ी जिसके नाम पे उसको पकड़ा जाता है वो जिम्मेदार था, मुझे मालूम नहीं था, भाई साहब देने ही नहीं थी ना गाड़ी। कानून मालूम ना हो ये आप डिफेंस नहीं ले सकते, ये निष्कर्ष आप जानिए। और ऐसे अलग अलग विषय के बारे में आपके सामने मैं लाते रहता हूँ, अलग अलग विषय, अलग अलग टिप्पणियां आपके सामने रखता हूँ। आपको अगर अच्छा रहा तो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मत भूलें। और ऐसे अगले किसी और विषय के ऊपर हम जरूर बोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।